माई कराची यूट्यूब चैनल के तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर से आगाह करते चलें कि मरूफ़ टीवी एंकर और स्कॉलर मौजूदा MNA साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने घर में इंतकाल कर गए। ये ख़बर आप तक पहुँच चुकी होगी। आए चलते हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर की जानिब, देखते हैं कि वहाँ क्या माहौल था उस वक्त जिस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब का इंतकाल हुआ। तो आए चलते हैं इस एक्सक्लूसिव वीडियो की तरफ, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के घर की जानिब। अब तक टेस्ट किए जा रहे हैं, पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस पर आमिर लियाकत, ये देखें ये जनरेटर है डॉक्टर साहब का, ये जनरेटर है, यहाँ पर वो सोए हुए थे। जायजा लिया जाए, कहाँ सोए हुए थे? ये इनका रूम है। अच्छा, ये इनका रूम है डॉक्टर साहब का, ये वाला इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। ये इनका रूम है, अंदर बंद है। अच्छा, बंद है। अब सीन ये है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब इस रूम में रह रहे हैं। और ये तमाम मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, बोले बोले। मैं आपको पूरी पीछे बता, मैं रहता हूँ ऊपर, जमशेद काजी मेरा नाम है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे, जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जैसे ही लग रहा है, सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है, उनको फिर यहाँ से लेके गए। मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, ठीक है, एट दस आप पड़ोसी है, थैंक यू। अब तक टेस्ट किए जा रहे हैं, पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस पर आमिर, ये देखें ये जनरेटर है डॉक्टर साहब का, ये जनरेटर है, यहाँ पर वो सोए हुए थे। जायजा लिया जाए, कहाँ सोए हुए थे? ये इनका रूम है। अच्छा, ये इनका रूम है डॉक्टर साहब का, ये वाला इस वक्त बड़ी तादाद में लोग जमा होना शुरू हो चुके हैं। ये इनका रूम है, अंदर बंद है। अच्छा, बंद है। अब सीन ये है कि यहाँ पर डॉक्टर साहब इस रूम में रह रहे हैं। और ये तमाम मेरी बात सुनेंगे आप? जी जी, बोले बोले। मैं आपको पूरी पीछे बता, मैं रहता हूँ ऊपर, जमशेद काजी मेरा नाम है, मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूँ, ठीक है ना। डॉक्टर साहब यहाँ पर रह रहे थे, जनरेटर की गैस ऐसी थी बिल्कुल जैसे ही लग रहा है, सुबह से ऐसा मूव हो रहा था कि डॉक्टर साहब को कोई वेंटिलेशन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ठीक है। जिसकी वजह से मैं ऊपर था, तो हमारी आजकल कोर्ट की वेकेशन है, तो ऐसा हुआ कि वहां पर वो लोग आए, वहां पर लोग शोर करने लगे कि डॉक्टर साहब की तबीयत सही नहीं है, उनको फिर यहाँ से लेके गए। मुझे लगता है वो उसी टाइम वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, ठीक है, एट दस आप पड़ोसी है, थैंक यू। आपको पता है कि वो ओटी की चीजें करते थे, टेंशन थी ओटी की, जिसकी वजह से सुबह का टाइम था, मैं नीचे आया हूँ तो मैंने पता किया, क्योंकि आज कल हमारी सब वेकेशन है कोर्ट की, तो मैं नीचे आया, तो मैंने नीचे आके देखा तो लोग क्यों है यहाँ पर लोग इकट्ठे हैं, तो पता चला कि उनको हॉस्पिटल ले गए, तो लिहाजा वो हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बड़ी चीज़ है, लेकिन ये कि अभी तक वहाँ पर एक स्मेल आती है। एक साल ये भी थी कि उनका जो ड्राइवर था उसकी भी तबीयत अभी वो ठीक नहीं है, तो लिहाजा डॉक्टर साहब को वो हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मेरा एक कहना ये है कि उनकी डेथ वो यहीं पर ही हो चुकी है। आप अपना तारुफ करा देंगे? मेरा नाम जमशेद काजी है, बैकपुर प्रोफेशन में लॉयर हूँ, और मैं ऊपर रहता हूँ, उसके साथ ही रहता हूँ। पड़ोसी आप ये कितने बजे का वाक्य है? अभी हुआ है कम से कम आधा घंटा या एक घंटा हो गया, आप इसको समझिए। और कितने अपराध थे वहाँ? अपराध तो दो तीन ही थे, एक उनका घर का जो एम्प्लॉय था वो था, उसका नाम जावेद है, वो उनको लेके गया। एक उनका ड्राइवर है, मुमताज नाम है, वो इस्लामाबाद से यहाँ पर आते हैं, वो उनका ड्राइवर है, उनकी भी तबीयत सही नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें सेम टाइम हैपन हुई है, तो लिहाजा वो उनको हॉस्पिटल लेके गए, तो वो मुझे लगता है उनकी डेथ यहीं पर ही होगी। और बॉडी यहाँ नहीं लाई जाएगी? अब बॉडी यहाँ पर नहीं लाई जाएगी, मुझे अभी उनके ड्राइवर ने मेरे को बताया कि सर वो बॉडी यहाँ पर नहीं ले जाएगी। रात में मुलाकात वगैरह मुझे नहीं आए थे वो, तो लोग आते रहते आते थे, लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि आपको पता है और MNA भी है, तो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। मेरी एक सवाल है कि उनके बारे में आया था कि वो नहीं, मुझे लगा है इसमें कोई शक नहीं, वो लेते थे और इंटॉक्सिकेशन थी उनको, नशा तो था उनका, लेकिन वो लेते थे, लेकिन उनकी जो डेथ हुई है वो इस वजह से नहीं है, लेकिन अभी मेडिकल रिपोर्ट आती है पूरा होता है तो फिर आपको पता लग जाएगी। वो तो टेंशन तो थी उनके पास, लेकिन क्योंकि मैं सुबह नीचे उतरा हूँ तो काफी एक सुबह एक जनरेटर की वजह से एक स्टीम बहुत ज्यादा हो गया था, सुबह बहुत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे लगता है उसकी डेथ हुई, क्योंकि वो एक छोटे से कमरे में हो रहे थे।